गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेडी लिजेंड्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट एक रह गया था आपके लास्ट वाला इंटरव्यू बारे में पूछते हैं। तो नाउन के बारे में पूछने के लिए जिस वर्ड का आप यूज करेंगे, दोबारा सुनो, इफ यू वांट टू आस्क अबाउट अ नाउन एंड द वर्ड यू आर यूजिंग अबाउट आस्किंग द नाउन, दैट वर्ड इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो वर्ड ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन आप ध्यान रखना, फर्स्ट है ब्लैंक इज योर नेम, ठीक है, ब्लैंक इज योर नेम। ब्लैंक इज योर नेम में क्या आएगा, जैसे आपको लिख देता हूं मैं, व्हाट एंड विच, ठीक है, विच और व्हाट से पे यूज हो सकता है। आपका नाम कौन सा है, विच इज योर नेम, बिल्कुल ठीक है, ये भी करेक्ट है। लेकिन हम किसी से पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो उसमें क्या आएगा, व्हाट इज योर नेम। ज्यादा पॉसिबिलिटी यहां पर व्हाट की है। नेक्स्ट है विच, तो इसमें ब्लैंक विच इज द पेन दैट यू हैव, आपके पास जो पेन है वो कौन सा है। तो इसमें अगर हम प्रैक्टिस सेट में लें विच एंड हू, तो विच इज द पेन, वो पेन कौन सा है, विच इज द करेक्ट आंसर। फिर आ जाता है ब्लैंक, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना है आपको, ये कार्य किसने किया, तो इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव में ये एग्जांपल्स आपके सामने है। नेक्स्ट आपको एक बार दोबारा से बताएंगे कि प्रोनाउन, दोबारा से बताओ कि जो प्रोनाउन है मैं बार बार बोल रहा हूं नाउन के साथ में, यहां पर गलती करेंगे उसे प्रॉपर
देखिए एग्जांपल में क्या दे रखा है, राहुल इज माय फ्रेंड, ही इज ए गुड स्टूडेंट, ही ऑल्सो हेल्प मी इन स्टडी। ठीक है, देख आपने क्या देखा कि फर्स्ट से पहले हमने नाउन यूज क्या कर रहा, मतलब आपने नाउन यूज कर लिया उसके बाद आप राहुल के लिए भी यूज कर रहे, तो ये प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है आपको पता होगा, उसके बाद वर्ब आ रहा है। ठीक है, हेल्पिंग और या वर्ब आ रही है, तो इसलिए सबसे जब नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो वर्ब आती है, उसी तरह प्रोनाउन एज सब्जेक्ट यूज होता है एज ए सब्जेक्ट तब भी वर्ब आता है। और जब हम बात करते हैं इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में हमने एक आपको बताया था कि यू पर्सन आर एब्सेंट, एक हमने आपको एक चीज बताई थी एक सेंटेंस के तौर पर, और यू आर एब्सेंट, यहां पर ये प्रोनाउन हुआ क्योंकि एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है नाउन के लिए, यहां पर ये क्यू नाउन के साथ यूज हो रहा है एज ए सब्जेक्ट, तो ये एडजेक्टिव है, ये अंतर है, ये डिफरेंस आपको बार बार समझने होंगे जिससे आपका सेंटेंस करेक्ट हो। जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकें, जो आपके मन में जिसका सही निकल रहा है वो। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया था डेमोंस्ट्रेटिव, डेमोंस्ट्रेटिव में क्या आता है, दिस दैट दीज दो, ये प्रोनाउन कब है जब इनके साथ वर्ब, ठीक है, इनके साथ वर्ब यूज होती है, बट आप यूज करते हैं दिस पर्सन, दैट पर्सन, दीज पर्सन, ठीक है, दोज पर्सन। अब ये एडजेक्टिव की फॉर्म में आ जाता है, तो इनके साथ आप नाउन यूज मत नहीं करना है तभी ये प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिस इज माय मैन, यहां पर वर्ब आ रही है इसलिए ये जो दिस इज डेमोंस्ट्रेटिव क्या होगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ये कुछ चीजें हैं प्रोनाउन में समझने के लिए, क्योंकि तो जैसे सब्जेक्ट अकेला स्टैंड करता है और अगर वो नाउन है उसके बाद आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वो भी अकेला स्टैंड करना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, तब जाकर वो प्रोनाउन का सही से अर्थ निकलेगा, अन्यथा वो चीजें आपके लिए गलत हो जाएगी जो आप लिखना चाह रहे हो नहीं लिख पाओ। ठीक है, ये अंतर आपको बहुत जरूरी। पार्ट ऑफ स्पीच में जो थर्ड पार्ट आता है, तो देखिए विद्यार्थियों जो थर्ड पार्ट है एडजेक्टिव, इट मींस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का आज हम केवल अर्थ, इट मींस मी, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, अगर हिंदी में स्पेलिंग समझेंगे तो एडजेक्टिव एक वो शब्द है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के यानी संज्ञा और सर्वनाम के मीनिंग में बढ़ोतरी यानी उसके अर्थ में बढ़ोतरी कर देता है, उसमें अतिरिक्त गुणों में और ज्यादा उसमें ऐड कर देता है, उसकी विशेषता बताता है, तो हम उसको
एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मीन्स इन इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश में डेफिनेशन में समझना चाहते हैं तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, या इट मीन्स नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ और एड कर रहा है। दूसरी चीज होती है कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, एड समथिंग या क्वालिफाई या उसको और मॉडिफाई कर रहा है, उसके अर्थ में और बढ़ोतरी कर रहा है, उसके मीनिंग को और थोड़ा प्रभावी और इम्पैक्टफुल बना रहा है, तो वो वर्ड एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाता है। और एडजेक्टिव पहले हिंदी में देख लो, वह शब्द जो संज्ञा में सर्वनाम की विशेषता बताए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? द वर्ड दैट, द वर्ड दैट टेल्स या डिनोट बताए द क्वालिटी, क्या द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। दोबारा देखेंगे, वे शब्द जो संज्ञा में सर्वनाम की विशेषता बताइए हिंदी में समझना चाहो तो इंग्लिश में द वर्ड दैट टेल्स डिनोट्स द क्वालिटी। अब डिनोट्स द क्वालिटी के लिए आप ले सकते हैं वर्ड दैट क्वालिफाई मॉडिफाई या फिर एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड इसकी डेफिनेशन दे रखी है। समझना है क्या है, बाई डेफिनेशन समझ लो पहले कि यदि कोई शब्द यानी कोई एनी वर्ड जो किसी नाउन प्रोनाउन में उसके शब्द को बढ़ा उसकी विशेषता बताए, उसको और तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करे उस वर्ड के थ्रू, तो हमें उसको एडजेक्टिव कहेंगे। व्हाट विल यू से अबाउट एडजेक्टिव, हम क्या कहेंगे थोड़ा अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू जाते हैं तो राहुल इज ए गुड बॉय, दिस पर्सन इज एन इंटेलिजेंट बिजनेसमैन। एक तो यहां पर यह एडजेक्टिव बता रहा है, पर्सन को दिस बता रहा है, पर्सन के साथ डेमोंस्ट्रेटिव आ रहा है, ठीक है, पर्सन के साथ डेमोंस्ट्रेटिव आ रहा है, तो एक इधर एडजेक्टिव आ गया, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, बिजनेसमैन को, और यदि यहां पर देखें तो मैन को ऊपर मॉडिफाई कर रहा है। इधर देखें नाउन है, नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबल इसकी विशेषता बता रहा है। देखा आपने इस सेंटेंस के थ्रू कि हम जब नाउन के बारे में कुछ ऐड करते हैं तो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। मोस्टली नहीं, जनरली आगे हम पढ़ेंगे इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है, बट
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट से पहले, जैसे इधर दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, इससे पहले, इट मीन्स एडजेक्टिव नाउन से पहले आए, नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है मोस्ट। दूसरा नाउन के साथ यूज नहीं आता है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं क्या सी इज इंटेलिजेंट, ठीक है, सी इज इंटेलिजेंट। तो आपके सामने हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, उन एग्जांपल्स को आप एडजेक्टिव पहचानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने, देखिएगा। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, पिक आउट एंड स्टेट, केवल पिक आउट ही नहीं की स्टेट, अभी हम आपको टाइप भी बता रहे हैं पिक आउट द एडजेक्टिव, ठीक है। मोहन हैज ब्लू पेन, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, ही इज नॉट इन गुड कंडीशन, माय फादर, My father is a good teacher. A friend tells about the gold coins। आपके सामने कुछ एडजेक्टिव है, इनको आप एक बार रीड करते हैं और रीड करने पर मैं आपसे पूछूंगा तो हम इसके बाद अच्छे आपको समझाएंगे, देखिए ना। इधर आप बैठ जाइए, एक फ्रेंड वापस से द रिटर्न